हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग अपना डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसको हम रेगुलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, रेगुलराइजेशन हमने मशीन लर्निंग में भी पढ़ा था, स्पेशली व्हेन वी वर वर्किंग विद लीनियर मॉडल्स, लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वहाँ पे रेगुलराइजेशन बहुत यूज़ होता है। रेगुलराइजेशन यूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न होता है ओवरफिटिंग। रेगुलराइजेशन से आप ओवरफिटिंग को कम कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमें सीखना है कि आप एक ओवरफिटेड न्यूरल नेटवर्क को रेगुलराइजेशन के हेल्प से कैसे ठीक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। हमने अभी तक इस प्लेलिस्ट में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स काम कैसे करते हैं, बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ग्रेडियंट डिसेंट कैसे काम कर रहा है। और फिर हमने स्टार्ट किया एक स्पेशल टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कि कल को अगर आपने एक न्यूरल नेटवर्क बनाया और उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है। हम पिछले 4-5 वीडियो में ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था, ये मैं आपको पिछले 2-3 वीडियो से दिखा रहा हूँ, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट। इट इज लाइक अ चेकलिस्ट जो आपको फॉलो करनी है फ्यूचर में जब भी आप कोई मॉडल बनाओ। तो यहाँ पे हमने कुछ चीजें कवर कर ली हैं, जैसे कि ड्रॉप आउट लेयर्स हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, अर्ली स्टॉपिंग उसके पहले कवर किया था, नॉर्मलाइजिंग इनपुट्स ये भी हमने कवर कर लिया है। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं रेगुलराइजेशन। ठीक है, रेगुलराइजेशन का काम होता है ओवरफिटिंग को रिड्यूस करना। ठीक है, सो फ्यूचर में कभी भी अगर आपका मॉडल ओवरफिट कर रहा है तो यू हैव टू रिमेंबर कि रेगुलराइजेशन कैन बी अ पॉसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो अब हम लोग अपने नोटपैड पे जाते हैं एंड लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो रेगुलराइजेशन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि रेगुलराइजेशन को कब यूज करना चाहिए, और आंसर बहुत ही सिंपल है, जब भी आपका मॉडल ओवरफिट कर रहा है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग एकदम ही बिगिनर्स हो और आपको ये भी नहीं पता कि ओवरफिटिंग क्या होता है, तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन ओवरफिटिंग क्या होता है। ऑल दो ये काम मैंने बहुत बार कर लिया है, बट फिर से एक बार लेट्स डिस्कस कि ओवरफिटिंग क्या है। ओवरफिटिंग एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे मशीन लर्निंग मॉडल या डीप लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग डेटा के ऊपर बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देता है, बट जैसे ही आप उसको नए अनसीन टेस्ट डेटा के ऊपर चलाते हो रिजल्ट खराब आने लग जाते हैं। और इसका रीजन ये होता है कि आपका जो ट्रेनिंग डेटा है, आपका जो मॉडल है वो बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स है, और अपने कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से ट्रेनिंग डेटा के बहुत माइनर पैटर्न्स को भी कैप्चर करता है। इन शॉर्ट बोला जाए तो रट लेता है, कॉन्सेप्ट्स नहीं गेन करता, रट लेता है, और वो रटे हुए नॉलेज को टेस्ट डेटा के ऊपर अप्लाई करता है जिसकी वजह से रिजल्ट खराब आता है। इमेजिन अ स्टूडेंट जिसने पूरी किताब रट ली, फॉर्मुलेज रट लिए विदाउट इवन नोइंग द कॉन्सेप्ट्स। सो कल को अगर दूसरे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो एग्जाम में रिजल्ट खराब ही आएगा, यही होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे आपके पास पहले डायग्राम में ट्रेनिंग डेटा है। अब इमेजिन अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल लाइक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या फिर एक बहुत डीप डिसीजन ट्री। ये लोग कैसे काम करेंगे कि ये आपके ट्रेनिंग डेटा के सबसे माइन्यूट पैटर्न्स को भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका काम है ट्रेनिंग डेटा पे एरर एकदम कम करना। तो देखो, ये कुछ इस तरीके का डिसीजन बाउंड्री बनाएगा इस डेटा के ऊपर। समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यू कैन सी ये कोशिश कर रहा है कि ट्रेनिंग डेटा के ऊपर एक भी गलती ना हो। बट ऑब्वियसली अगर ये सेम डिसीजन बाउंड्री को आप उठाओ और टेस्ट डेटा के ऊपर डाल दो, अनसीन डेटा के ऊपर डाल दो, यू कैन सी गाइस, अगर आपने सेम डिसीजन बाउंड्री को नए डेटा पे डाला, रिजल्ट कैसा आ रहा है? रिजल्ट इज नॉट गुड। आपका जो एक्यूरेसी होगा मॉडल का वो अच्छा नहीं होगा, और इसी को बोला जाता है ओवरफिटिंग। एंड अनफॉर्चुनेटली इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। अ लॉट ऑफ मॉडल्स टेंड टू ओवरफिट, जिसकी वजह से आप वो रिजल्ट्स नहीं निकाल पाते जो आपको मिलने चाहिए। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि मैं समझ गया ओवरफिटिंग क्या होता है, बट ओवरफिटिंग होता क्यों है, स्पेशली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में। हम अभी ANN पढ़ रहे हैं। आई वॉन्ट टू नो कि ओवरफिटिंग होता क्यों। सो ओवरफिटिंग होने का सबसे बड़ा रीजन इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर मॉडल।
बेसिकली आप जब एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हो तो उस न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारे नोड्स होते हैं लाइक दिस, राइट? और हर नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है, फुली कनेक्टेड है ये। तो प्रॉब्लम क्या आता है इस सिनेरियो में कि इतना कॉम्प्लेक्स पैटर्न, इतना कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर आपके डेटा के हर छोटे छोटे पैटर्न को कैप्चर करने की कोशिश करता है। लेट मी एक्सप्लेन। मेरे पास ये एक डेटा है और इस डेटा के ऊपर मैंने क्या किया, अलग अलग टाइप के न्यूरल नेटवर्क्स चलाए, ठीक है? जैसे मैंने सबसे पहले एक सिंपल सा न्यूरल नेटवर्क चलाया जिसमें सिर्फ एक न्यूरॉन था। आप कह सकते हो कि ये एक परसेप्ट्रॉन मॉडल है। एंड यू कैन सी एक परसेप्ट्रॉन मॉडल इज बेसिकली अ लीनियर मॉडल, लाइन ड्रॉ करके क्लासिफाई कर सकता है। तो उसने ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक है? फिर मैंने क्या किया, मैंने धीरे धीरे नंबर ऑफ नोड्स बढ़ाए, इस तरीके से नंबर ऑफ नोड्स बढ़ाए। इनपुट अभी भी दो ही रखा। तो यू कैन सी सेम डेटा के ऊपर जब मैंने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ाए, अब मैंने 10 न्यूरॉन्स रखे, तो यू कैन सी थोड़ा ज्यादा आपका डिसीजन बाउंड्री लाइन से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, घूमने लग गया, ठीक है? जब मैंने थोड़ा और बढ़ाया, लेट से मैंने 50 कर दिया, तो अब ये लाइन नहीं रहा, अब ये कर्व बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? जब मैंने 257 न्यूरॉन्स रखे तो यू कैन सी थोड़ा और कट्स लेने लग गया, ठीक है, ताकि ट्रेनिंग डेटा पे बिल्कुल भी गलती ना हो। और जब मैंने उसको बढ़ा के 1000 न्यूरॉन कर दिया, यू कैन सी वो और बहुत कॉम्प्लेक्स कर्व्स बनाने लग गया इन ऑर्डर टू फिट द ट्रेनिंग डेटा प्रॉपरली, कोई गलती ना हो। सो इन शॉर्ट, अगर आपसे कोई पूछे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ओवरफिट क्यों करते हैं, उसका रीजन बहुत सिंपल है। अगर आप सिर्फ एक न्यूरॉन रखो तो वो हमेशा एक लाइन ड्रॉ करके ही अपना काम करने की कोशिश करेगा, बट अगर आपने दो बना दिए तो अब आपके पास एक्चुअली दो लाइंस बनाने की कैपेबिलिटी है। तो सोचो अगर आपके पास तीन है तो आपके पास तीन लाइंस बनाने की कैपेबिलिटी है। अगर मान लो आपके पास हजारों हैं तो आपके पास इस तरह के हजारों लाइंस बनाने का कैपेबिलिटी है, और उसी की वजह से वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बनते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए। आई गेस यू आर गेटिंग द आइडिया। मैं एक बार फिर से समराइज कर रहा हूँ, जितने ज्यादा न्यूरॉन्स आपके मॉडल में होंगे उतना ज्यादा आपका मॉडल केपेबल है छोटे छोटे लाइंस ड्रॉ करके आपके चीजों को क्लासिफाई करने का, ठीक है? अब उससे क्या हो सकता है कि अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन आ सकता है आपके मॉडल में, और हो सकता है कि रादर देन कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ डेटा वो हर माइन्यूट चीज को कैप्चर करने लग जाए, ठीक है? दैट वुड हैपन। तो सॉल्यूशन क्या है ओवरफिटिंग से बचने का? एक सिंपल सॉल्यूशन तो ये है कि अगर आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क है तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ नोड्स को हटा सकते हो। मतलब ये कुछ नोड्स को आप हटा सकते हो। हटाने का मतलब ये हुआ कि इनके जो वेट्स हैं, इनका जो वैल्यू है, आप उसको बहुत जीरो के पास ले जाओ, बहुत वीक कर दो इन वेट्स का वैल्यू। जैसे आप इन वेट्स का वैल्यू बहुत क्लोज टू जीरो ले आओगे या जीरो कर दोगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका वो नोड काइंड ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा आपके न्यूरल नेटवर्क में। और नॉन एग्जिस्टेंट जैसे ही होगा तो आपका ये जो कॉम्प्लेक्स मॉडल है वो एक सिंपल मॉडल बन जाएगा, उसके पास पावर नहीं होगा इस तरह से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लाइंस बना करके डिसीजन बाउंड्री बनाने का, और वो एक सिंपल सा लाइन बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है? एंड दिस इज वॉट रेगुलराइजेशन डज। रेगुलराइजेशन और बाकी के जो टेक्निक्स हैं ओवरफिटिंग को रिड्यूस करने के, वो एसेंशियली यही काम करते हैं। आई होप आपको अभी तक का डिस्कशन समझ में आया। सो गाइस, हमें ये तो समझ में आ गया कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में ओवरफिटिंग क्यों होता है। अब लेट्स अंडरस्टैंड कि वॉट आर द डिफरेंट वेज यूजिंग विच यू कैन एलिमिनेट ओवरफिटिंग और रिड्यूस ओवरफिटिंग इन ANNs। सो दो मेजर तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है by adding more data. This is the first way. And the second way is reducing the complexity of your model. Simple सी बात है। पहला है ज्यादा से ज्यादा डेटा देना अपने मॉडल को। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा आप डेटा दोगे उतना श्योरिटी आएगा और छोटी छोटी चीजों पे फोकस नहीं करेगा आपका मॉडल और बड़े पिक्चर को देख पाएगा। तो जनरली
you can add more rows to your data, but data costly होता है और हर बार आपको मिल नहीं सकता. तो कुछ और techniques use की जाती हैं, जैसे कि data augmentation. Data augmentation is a technique जहां पर आप artificial synthetic data produce करते हो given data से. जैसे मैं आपको एक example देता हूँ, CNN जो होता है, convolutional neural network, जो हम आगे पढ़ेंगे, वहां पे जब आप images के साथ काम करते हो, तो अगर आपके पास बहुत कम images है, तो आप क्या करते हो, existing images से कुछ सिंथेटिक डेटा क्रिएट करते हो, आर्टिफिशियल डेटा क्रिएट करते हो. मान लो एक फोटो है जिसमें एक डॉग है, तो आप क्या करोगे, उसी फोटो को क्रॉप कर दोगे या रिवर्स कर दोगे या अपसाइड डाउन कर दोगे, और इतना करने से आपको अलग अलग फोटोज मिल जाएंगे सेम फोटो के. तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है डेटा ऑगमेंटेशन, और ये हम पढ़ेंगे आगे. ठीक है, तो ये दो टेक्निक्स हो गई इन ऑर्डर टू इंक्रीज डेटा. नेक्स्ट है मॉडल का कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करना. तो इसमें हमने एक टेक्निक पढ़ा था ड्रॉप आउट, जहां पे हमने ये पढ़ा था कि आप रैंडमली हर लेयर में घुस करके एक परसेंटेज ऑफ नोड्स को टर्न ऑफ कर सकते हो. ठीक है, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में. ऑल्सो एक और तरीका होता है अर्ली स्टॉपिंग. अर्ली स्टॉपिंग इज बेसिकली अ टेक्निक कि डिटेक्ट करो कहाँ पे ओवरफिटिंग स्टार्ट हो रहा है और वहीं पे अपने मॉडल को रोक दो. ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं. और जो थर्ड टेक्निक है वो है रेगुलराइजेशन. रेगुलराइजेशन में एक्चुअली तीन तरह के रेगुलराइजेशन फेमस हैं. एक है L1, एक है L2 और एक है L1 प्लस L2 का कॉम्बिनेशन. ठीक है, L1 और L2 में ज्यादा यूज होने वाला वैसे L2 है. 99% चांसेस हैं कि आप जब रेगुलराइजेशन लगाओगे डीप लर्निंग में, आप L2 ही लगाओगे. L1 उतना यूजफुल नहीं होता, जनरली ज्यादा बढ़िया रिजल्ट्स आपको L2 में ही मिलते हैं. और आज की वीडियो में भी हम लोग ज्यादा फोकस L2 के ऊपर ही करेंगे, बट आई विल ऑल्सो शो यू कि L1 और L1 प्लस L2 कैसे काम करता है. ठीक है, तो ये चार्ट आपको याद रखना है कि ओवरफिटिंग अगर होती है तो ये करने से आप उसको रिड्यूस कर सकते हो. अब हम लोग मूव करते हैं रेगुलराइजेशन काम कैसे करता है. सो गाइज, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रेगुलराइजेशन. ठीक है, रेगुलराइजेशन क्या होता है वो समझते हैं, और फिर हम समझेंगे कि वो काम क्यों कर पाता है. ठीक है, तो अभी तक आपने जितना भी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग पढ़ा होगा, तो आपको इतना पता होगा, लेट्स टॉक अबाउट डीप लर्निंग, ANN की बात कर रहे हैं, कि हमें हमारे वेट्स का वैल्यू निकालना होता है, वेट्स एंड बायसेस का वैल्यू निकालना होता है. और ये हम निकालते कैसे हैं, बाय मिनिमाइजिंग अ लॉस फंक्शन. ठीक है, सेम विथ लीनियर मॉडल्स, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी आपका काम क्या होता है, पैरामीटर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, जो एक लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करने से मिलता है. ठीक है, तो रिग्रेशन के केस में मीन स्क्वायर्ड एरर आपका लॉस फंक्शन होता है, क्लासिफिकेशन के केस में वही बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी होता है. ठीक है, तो बेसिकली द आइडिया इज दिस कि आपका जो कॉस्ट फंक्शन है वो फॉर एन टर्म्स, एज इन फॉर एन रोज, इट लुक्स लाइक दिस. ठीक है, दिस इज योर कॉस्ट फंक्शन. और आपको क्या करना है, आपको अपने सारे पैरामीटर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है और ऐसा वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये जो आपका कॉस्ट फंक्शन है इसका वैल्यू मिनिमम हो जाए. ठीक है, अब रेगुलराइजेशन में आप बस एक चेंज करते हो, और वो आप ये करते हो कि आप इस कॉस्ट फंक्शन में एक पेनल्टी टर्म ऐड कर देते हो. यू ऐड अ पेनल्टी टर्म. ठीक है, सो आपका लॉस कॉस्ट फंक्शन हो जाता है दिस लॉस प्लस अ पेनल्टी टर्म. जो अगर आप बात करो, दो तरह का रेगुलराइजेशन है, L2 और L1, तो हम लोग L2 पकड़ के बात करेंगे बिकॉज L2 इज मोर कॉमन इन डीप लर्निंग. तो L2 रेगुलराइजेशन विल बेसिकली लुक लाइक दिस, लैम्डा बाई 2n, i इज इक्वल टू 1 से लेकर के k, wi वेट्स का स्क्वायर. सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप ये टर्म ऐड कर रहे हो, ये ही आपका पेनल्टी टर्म है. सो मान लो आपके पास आपके न्यूरल नेटवर्क में w1 से लेकर के w10 10 अलग अलग वेट्स थे, देर आर 10 वेट्स. तो आप क्या कर रहे हो, अपने लॉस फंक्शन में ये टर्म ऐड कर रहे हो, लैम्डा बाय 2n, w1 का स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस w10 का स्क्वायर. बेसिकली जितने भी वेट्स थे
उन सबके स्क्वायर का सम मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर, ठीक है, इसको आप अपने एग्जिस्टिंग लॉस्ट फंक्शन में, कॉस्ट फंक्शन में एक्चुअली ऐड करते हो, ठीक है। अब यहां पे कुछ चीजें समझने की हैं। सबसे पहली चीज, ये लैम्डा क्या है? लैम्डा इज अ हाइपर पैरामीटर, हाइपर पैरामीटर, और जितना आप इसको इंक्रीज करोगे उतना ये जो टर्म आपने ऐड किया है इसका वेटेज बढ़ता है और रेगुलराइजेशन और स्ट्रॉन्गली अप्लाई होता है, ठीक है। मतलब आप ओवरफिटिंग से अंडरफिटिंग की तरफ जाओगे। अगर आप लैम्डा को बहुत बढ़ा दोगे तो अंडरफिटिंग की तरफ जाओगे, अगर आप लैम्डा को जीरो कर दोगे तो बेसिकली ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और आपका कॉस्ट फंक्शन जो पहले था वही बच जाएगा। इसका मतलब रेगुलराइजेशन अप्लाई होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये जो n है ये आपका नंबर ऑफ रोज है, और ये जो 2 है ये मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए लगाया गया है। कई जगहों पे आप नोटिस करोगे कि 2 लगाया भी नहीं गया है, ठीक है, इट इज जस्ट फॉर मैथमेटिकल कन्वीनियंस। अब समझने वाली बात ये है कि आपका कॉस्ट फंक्शन जो भी है, आपका कॉस्ट फंक्शन जो भी है उसमें जब आप ये पेनल्टी लगाते हो तो होता क्या है? सो पेनल्टी लगाने से आपके जो सारे वेट्स हैं उनका वैल्यू जीरो की तरफ भागने लग जाता है, बहुत कम होने लग जाता है, ठीक है। यही करता है रेगुलराइजेशन। अब दो बातें आपको याद रखनी है। पहला कि आप L2 के साथ साथ या फिर L2 के रिप्लेसमेंट में L1 भी लगा सकते हो। L1 के केस में बस क्या होगा, ये स्क्वायर टर्म नहीं होगा। सो बेसिकली आपका कॉस्ट फंक्शन ये दिखाई देगा, लॉस्ट फंक्शन जो पहले था, लैम्डा बाय 2n सिग्मा L1 नॉर्म होगा बेसिकली। दिस इज L1 नॉर्म, ठीक है, दिस इज द ओनली डिफरेंस। सेकेंड एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ जगहों पे अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये कॉस्ट फंक्शन ऐसा दिखाई देगा, ऐसा ये टर्म ऐड किया जाता है जब आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करते हो। ये ज्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है बट ये है सेम चीज। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, मतलब मान लो अगर आपके पास इस तरह का एक न्यूरल नेटवर्क है, जहां पे लेयर वन लेयर टू इस तरीके से चीजें अरेंज्ड है, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप लेयर बाय लेयर घुस रहे हो और फिर आप हर रो को आई बोल रहे हो और हर कॉलम को जे बोल रहे हो और हर लेयर को एल बोल रहे हो, दैट्स इट। है ये सेम ही चीज। अगर 15 अलग अलग वेट्स हैं तो आप हर वेट का स्क्वायर का सम ही कर रहे हो, बट ये इसको लिखने का ज्यादा सही तरीका है, इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करने का ज्यादा सही तरीका है। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों का मतलब सेम ही है कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने एग्जिस्टिंग लॉस फंक्शन में आप एक पेनल्टी टर्म ऐड कर रहे हो, और वो पेनल्टी टर्म होता क्या है, आपके सारे वेट्स के स्क्वायर का सम, ठीक है। एक चीज और आपको याद रखनी है कि आप बायसेस का स्क्वायर का सम नहीं करते, कभी भी आप ये ऐड नहीं करोगे, ये नहीं किया जाता, बायसेस को ऐड नहीं किया जाता, जस्ट वेट्स को ऐड किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये ज्यादा सही फॉर्मेट है बट मतलब सेम है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि चलो ठीक है, मैंने ये पेनल्टी टर्म ऐड कर दिया, बट ये पेनल्टी टर्म ऐड करने से ये कैसे मेक श्योर हो रहा है कि हमारे सारे वेट्स जीरो के आसपास चले जाएं, वेट्स रिड्यूस कैसे होंगे, ये बात का इंट्यूशन नहीं मिल रहा। तो इस बात का मैं आपको इंट्यूशन देता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो चलो गाइज, अब मैं आपको एक छोटा सा इंट्यूशन देता हूँ, मैं एग्जैक्ट मैथ्स तो नहीं बता रहा बट आपको एक छोटा सा इंट्यूशन देता हूँ कि क्यों रेगुलराइजेशन अप्लाई करने पे ग्रेजुअली धीरे धीरे आपके वेट्स जीरो की तरफ मूव करने लगते हैं। लेट मी शो इट टू यू। सो अगर आपको याद होगा, बैक प्रोपगेशन में आप क्या करते थे, ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करते थे और आप हर पर्टिकुलर वेट के लिए
किसी भी पर्टिकुलर वेट के, बहुत सारे वेट्स होंगे आपके न्यूरल नेटवर्क में, किसी भी पर्टिकुलर वेट के ऊपर आप ये फॉर्मूला लगाते थे। सो किसी भी पर्टिकुलर वेट का, मतलब मान लो आपके पास ये न्यूरल नेटवर्क है, मान लो आपके पास ये न्यूरल नेटवर्क है, तो ये जो वेट है, मान लो इस वेट को आपको अपडेट करना है, तो आप क्या करते थे, ये अपडेट रूल लगाते थे जहां पे नया वैल्यू ऑफ दिस वेट वुड बी इक्वल टू पुराना वैल्यू माइनस लर्निंग रेट टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ योर लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द पुराना वैल्यू ऑफ दिस वेट। यही करते थे आप। अब ध्यान से देखो, हमारा लॉस फंक्शन तो चेंज हो चुका है, लेट्स कॉल इट एल डैश। एल डैश क्या है, पुराना वाला लॉस फंक्शन प्लस लैम्डा बाय टू आपका सिग्मा ऑफ डब्लू आई का स्क्वायर। यहां पे मैंने डिवाइड नहीं किया एन से, बिकॉज हम एक सिंगल ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए लॉस निकाल रहे हैं, दिस इज लॉस फंक्शन नॉट कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये था। अब अगर आप यहां पर ये डेरिवेटिव निकालने जाओ, तो डेल एल डैश बाय डेल ये पर्टिकुलर वेट वुड बी डेल एल बाय डेल डब्ल्यू नॉट माइनस सॉरी प्लस लैम्डा बाय टू, ऐसा ही रहेगा। आप इसको डिफ्रेंशिएट करने जाओगे, अब इसमें सारे के सारे वेट्स का स्क्वायर का सम है, इट्स लाइक दिस डब्ल्यू वन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू टू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू थ्री स्क्वायर, जितने भी आपके वेट्स हैं उन सबका स्क्वायर का सम है। बट आप सिर्फ इस पर्टिकुलर वेट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, मान लो ये रहा वो वेट, तो बाकी सारा टर्म जीरो हो जाएगा और सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू डब्ल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा टू टाइम्स डब्ल्यू नॉट, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये रहा आपका डिफ्रेंसिएशन, ये हो जाएगा डब्ल्यू नॉट प्लस लैमडा डब्ल्यू नॉट, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस टर्म के बदले ये चीज को भर दोगे, तो नया वैल्यू होगा पुराना वैल्यू माइनस लर्निंग रेट टाइम्स दिस प्लस दिस, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये बन जाएगा W नॉट माइनस लर्निंग रेट टाइम्स रेगुलराइजेशन फैक्टर टाइम्स W नॉट माइनस लर्निंग रेट टाइम्स दिस, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करने पे ये बन जाएगा ये देखो। आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को केयरफुली देखना है। ये इक्वेशंस एग्जैक्टली सेम है, बस ये वाला टर्म एक्स्ट्रा है। सो हो क्या रहा है, W नॉट में पहले आप 1 माइनस लर्निंग रेट टाइम्स रेगुलराइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब रेगुलराइजेशन फैक्टर एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो जैसे ही आप एक पॉजिटिव नंबर से इस लर्निंग रेट को मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी सम पॉजिटिव थिंग जो कि 1 से छोटा है, तो ऑब्वियसली W नॉट जो निकल के आएगा वो ओरिजिनल वाले यहां वाले W नॉट से छोटा होगा, और यहां वाले W नॉट से छोटा होने के बाद आप इस चीज को सब्ट्रैक्ट भी करोगे, तो बेसिकली आप अपने वेट्स को डिक्रीज कर रहे हो, और ऐसा आप हर बार कर रहे हो जितनी बार भी आप इस अपडेट रूल को लगा रहे हो। बेसिकली आप जितने भी अपडेट्स ले रहे हो, जितने भी ईपॉक्स ले रहे हो, उतनी बार हर बार आपका वेट डिक्रीज होता जा रहा है, और डिक्रीज होते होते वो जीरो के पास पहुंच जाएगा, बट कभी भी जीरो नहीं होगा, ऑब्वियसली यू कैन सी बहुत छोटा हो जाएगा बट जीरो नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो यही होता है, यही इस बात का मैथमेटिकल इंट्यूशन है कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो, कि जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आप ये वन माइनस लर्निंग रेट टाइम्स लैम्डा का एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो अपने डब्ल्यू नॉट को। इसी को एक्चुअली कुछ जगहों पे वेट डीके भी बोला जाता है, और इसी को वेट डीके फैक्टर बोला जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली वेट डीके ये नहीं होता, बट आप समझ सकते हो, मोस्टली प्रैक्टिकली स्पीकिंग लोग इसी को वेट डीके भी बोलते हैं, इसलिए कभी कभी एल टू रेगुलराइजेशन को न्यूरल नेटवर्क्स में वेट डीके भी बुलाया जाता है। ऑल्दो वेट डीके थोड़ा सा अलग होता है,
मैं किसी और वीडियो में उसकी बात करूंगा, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस आप इसको वेट डी के बुला सकते हो, क्योंकि इवेंचुअली आप क्या कर रहे हो, अपने वेट को डी के करवा करवा के जीरो की साइड लेके आ रहे हो, ठीक है। तो दिस इज द होल इंट्यूशन, मैं एक बार समराइज करता हूँ। सो होता क्या है कि आपके पास एक लॉस फंक्शन होता है, आपको ऐसे पैरामीटर की वैल्यू निकालनी होती है जिससे वो लॉस फंक्शन का वैल्यू मिनिमम हो, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब आपको क्या करना है, सिंस आपके वेट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, आपके पैरामीटर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है और आप ओवरफिटिंग कर रहे हो, तो आप क्या चाहते हो कि आप अपने वेट्स का वैल्यू रिड्यूस करो, कम करो। और ये करने का एक तरीका है टू एड अ पेनल्टी टर्म, ठीक है। नाउ दैट पेनल्टी टर्म कुड बी L2 नॉर्म इन L2 रेगुलराइजेशन और L1 नॉर्म इन L1 रेगुलराइजेशन, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट दोनों के ही एड करने से क्या होता है कि आपका वेट्स रिड्यूस करके जीरो की तरफ जाने लगता है, और उसका इंट्यूशन मैंने आपको भी जस्ट मैथमेटिकली दिखाया, ठीक है। एक बात आपको याद रखनी है कि जब आप L1 रेगुलराइजेशन करोगे तो बहुत सारे वेट्स जीरो हो जाते हैं, ठीक है। क्यों हो जाते हैं, इसका आंसर मैंने बहुत डिटेल में बताया है अपने 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट में, वहां पे जाके आपको देखना होगा। बट एक चीज याद रखना कि L1 जो आपका रेगुलराइजेशन है, दैट विल गिव यू स्पार्स मॉडल। स्पार्स मॉडल का मतलब बहुत सारे वेट्स जीरो हो जाएंगे, तो आपको बहुत ही सिंपल सा मॉडल मिलता है, बहुत सारे आपके नोड्स एलिमिनेट हो जाते हैं। L2 में ऐसा नहीं होता, जो हमने पढ़ा इसमें ऐसा नहीं होता, जीरो नहीं होता, जीरो के पास जाता है, छोटा हो जाता है वेट, बट स्पार्स मॉडल नहीं बनता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई गेस आपको पूरा थ्योरी थोड़ा बहुत समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, हम एक कोड के थ्रू प्रैक्टिकली देखेंगे कि केरास में आप रेगुलराइजेशन कैसे अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको L1 L2 दोनों लगा के दिखाऊंगा, और मैं आपको साथ ही साथ ये भी दिखाऊंगा कि फायदा होता है। सो गाइस, कोड मैंने लिख रखा है और कोड बहुत ही सिंपल है, बट देखने के बाद आपको तुरंत समझ में आएगा कि रेगुलराइजेशन लगाने का फायदा क्या है, ठीक है। सो पहले सेल में मैंने सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं जिनकी भी मुझे जरूरत थी। उसके बाद मैंने मेक मून्स फंक्शन यूज करके खुद का क्लासिफिकेशन डेटा सेट जनरेट किया विथ अ नॉइस ऑफ 0.25, जो कि फिलहाल ऐसा दिखाई देता है। मुझे इसके ऊपर क्लासिफिकेशन परफॉर्म करना है, और क्लासिफिकेशन परफॉर्म करने के लिए मैं एक ANN बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं नीचे गया और यहाँ पे मैंने अपना मॉडल बनाना शुरू किया। बहुत ही सिंपल सा मॉडल है। पहले लेयर में देर आर 128, पहले हिडन लेयर में देर आर 128 न्यूरॉन्स, अगले वाले में भी 128, और उसके बाद हमारा आउटपुट लेयर जिसमें एक न्यूरॉन है, ठीक है। दिस इज अ वेरी सिंपल ANN। ये रही इसकी समरी इस मॉडल की। पहले वाले लेयर में आपके पास 384 टोटल पैरामीटर्स है जिनको ट्रेन करना है। इन टोटल देर आर 17,000 पैरामीटर्स। उसके बाद आगे की चीजें भी आपने बहुत बार देख रखी हैं। हमने अपना लर्निंग रेट सेट किया विथ एन ऑप्टिमाइजर ऑफ एडम। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। मेट्रिक एक्यूरेसी है, 2000 ईपॉक्स तक चला रहे हैं जानबूझ के ताकि ओवरफिटिंग हो। वैलिडेशन स्प्लिट रखा है 0.2, और जैसे ही मैंने इस मॉडल को ट्रेन किया और फिर उसको जैसे ही मैंने रन किया मेरे डेटा के ऊपर, यू कैन सी दिस इज द डिसीजन बाउंड्री। और इसको देख के कोई बच्चा भी बता सकता है कि यहाँ पर ओवरफिटिंग हो रही है, बिकॉज आपका मशीन लर्निंग मॉडल इज ट्राइंग रियली हार्ड कि वो ट्रेनिंग डेटा के सारे माइन्यूट पैटर्न्स को भी कैप्चर कर पाए ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। और ये कभी भी बहुत अच्छा जनरलाइज नहीं करेगा नए अनसीन डेटा के ऊपर, ठीक है। ऑल्सो अगर आपको दिखाना ही है कि ओवरफिटिंग हो रहा है, तो आप ये लॉस कर्व भी प्रिंट कर सकते हो, और ये लॉस कर्व देख के भी तुरंत समझ में आ रहा है, बहुत ही डरावना, क्लियरली ओवरफिटिंग हो रहा है। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने एक नया मॉडल बनाया जिसमें सब कुछ सेम है। पहले हिडन लेयर में 128 यूनिट्स हैं, अगले वाले में भी 128 यूनिट्स हैं, बट नोटिस करना हमने क्या किया है कि इन दोनों में कर्नल रेगुलराइजर बोल के एक पैरामीटर ऐड किया है, और वहां पे हमने लिखा है tensorflow.keras.regularizer.L2, ठीक है। और यहाँ पे L2 के अंदर आप लैम्डा का वैल्यू सेट कर सकते हो, जो कि फिलहाल मैंने दोनों लेयर्स के लिए 0.03 सेट कर रखा है, ठीक है। और दैट्स इट, आपको बस इतना ही करना है, इस कोड को आपको रन करना है। नीचे का जो कोड है वो एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। और फिर मैंने जब मॉडल को ट्रेन किया, और इस बार जब मैंने डिसीजन बाउंड्री चलाई, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड यू कैन सी दिस इज अ मच क्लीनर डिसीजन बाउंड्री, जो टेस्टिंग डेटा के ऊपर भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। इसको आप कंपेयर करो अगर साइड बाय साइड इस चीज से, यू कैन टोटली सी कि देयर इज अ बिग डिफरेंस, एंड नीचे वाला विल एक्ट और परफॉर्म बेटर विथ अनसीन डेटा,
ठीक है, यहाँ पर भी मैंने वो कर्व्स प्लॉट किए एंड यू कैन सी बिल्कुल भी ओवरफिटिंग नहीं हो रहा है, दोनों कर्व साइड बाय साइड चल रहे हैं 2000 ईपॉक्स तक। इसके बाद अपना पॉइंट और बताने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हमारा जो मॉडल वन था विदाउट रेगुलराइजेशन वाला, उसके सारे वेट्स को मैंने फेच किया। आप ऐसा कर सकते हो, मैंने आपको पहले भी बता रखा है ये कि आप जो भी मॉडल को ट्रेन करो, मॉडल वन है हमारा पहला मॉडल, उसके गेट वेट्स फंक्शन को कॉल करके यू कैन एक्चुअली फेच ऑल द वेट्स जो भी वहां पे हमने ट्रेन किए। देखो ये वो सारे वेट्स हैं। तो अब अगर मुझे इसमें से फर्स्ट लेयर के वेट्स चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट जीरो और ये मुझे लेयर वन के सारे वेट्स दे देगा। यू कैन सी ये रहे सारे वेट्स। और अगर आप शेप कैलकुलेट करो तो यू वुड सी द शेप इज 2,128। और उसका रीजन ये है कि हमारे पास इनपुट लेयर में दो यूनिट्स हैं और पहले हिडन लेयर में 128 यूनिट्स है, तो 2 × 128 टोटल मिला के मेरे पास 256 वेट्स है फर्स्ट वाले लेयर में। अगर मैं चाहूँ तो इसको रीशेप कर सकता हूँ 2 256 बिकॉज 2 × 128 इज 256 और ये मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने ऊपर किया है। मैंने यहां पर मॉडल वन का फर्स्ट लेयर में जो 256 वेट्स है उनको निकाला है और इस वेरिएबल में डाल दिया है, और सिमिलरली मॉडल टू का भी जो पहले लेयर के 256 वेट्स है उसको इस वेरिएबल में डाल दिया है, और उसके बाद मैंने इन दोनों के ऊपर बॉक्स प्लॉट प्लॉट किया। ये है मॉडल वन का बॉक्स प्लॉट। यू कैन सी ज्यादातर आपके जो वेट्स हैं वो इस रेंज में लाई कर रहे हैं, और कुछ आउटलायर्स हैं जो बहुत बड़ी वैल्यूज में भी हैं, लाइक -2 से बड़े, -2 से छोटे या फिर 1 से बड़े। ठीक है, बट यही सेम बॉक्स प्लॉट जब आप मॉडल टू के ऊपर चला रहे हो जहां पे आपने रेगुलराइजेशन लगाया था, सी दिस इज द बॉक्स प्लॉट, ऑलमोस्ट ऑल द वैल्यूज आर इन द रेंज ऑफ -0.6 से 0.4। श्रिंक कर गया है, वेट डी के हो गया है, और ज्यादातर वेट्स आपके लाई कर रहे हैं 0 के आसपास, जो मैंने बोला था कि वेट डी के होता है। ठीक है, जब मैंने मॉडल वन के सारे वेट्स का मैक्स वैल्यू निकाला तो कोई एक वेट है जो 1.75 है, और अगर मैं यहाँ पे मिन निकालू तो कोई एक वेट है जो -2.7 है। अगर मैं सेम का मॉडल टू के ऊपर कर रहा हूं तो मैक्सिमम वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0.3, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, एंड द मिनिमम वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी -0.5। देख रहे हो पूरा रेंज श्रिंक कर गया और ज्यादातर वैल्यूज आपके जीरो की साइड चली गई, जो कि होता है रेगुलराइजेशन में। एंड द लास्ट थिंग दैट आई डिड वाज आई प्लॉटेड टू पीडीएफ्स, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस, और ये रहा आपका रिजल्ट। जो ब्लू कर्व है वो विदाउट रेगुलराइजेशन वाला है, और जो ऑरेंज कर्व है वो रेगुलराइजेशन वाला है। एंड यू कैन सी जो रेगुलराइजेशन वाला कर्व है, ऑरेंज कर्व, उसकी ज्यादातर वैल्यूज जीरो के आसपास लाई कर रही है, वेयर एज ब्लू कर्व काफी फैला हुआ है, मतलब वैल्यूज एक बड़े रेंज में। ठीक है, तो यू कैन एक्चुअली गो थ्रू दिस नोटबुक एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि रेगुलराइजेशन कैसे काम करता है। वन लास्ट थिंग, अगर आप चाहो तो आप यहीं पर L1 रेगुलराइजेशन भी लगा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना होगा, मॉडल टू बनाने के टाइम आपको बस यहाँ पे L2 के बदले L1 करना होगा लाइक दिस, और आप इसको जैसे ही रन करोगे मॉडल को, फिर से ट्रेन कर रहा हूं मैं, मॉडल हमारा ट्रेन हो गया, फिर से ग्राफ प्लॉट करते हैं एंड यू कैन सी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। मे बी बिकॉज हमने रेगुलराइजेशन का वैल्यू बहुत हाई सेट कर रखा है, इसको हम लोग थोड़ा छोटा करते हैं। लेट्स से हम ये कर रहे हैं, यू हैव टू ट्राई विद डिफरेंट वैल्यूज जो वैल्यू काम करे, इट्स बेसिकली हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। एंड यू कैन सी गाइज दिस इज द रिजल्ट ऑफ L1 रेगुलराइजेशन जब मैंने लैमडा का वैल्यू सेट किया है 0.001। ठीक है, इसमें भी अगर आप ग्राफ प्लॉट करके देख लो बाकी सारे, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा ओवर फिटिंग हो रहा है इन कंपेरिजन टू L2 रेगुलराइजेशन जो हमने थोड़ी देर पहले किया। और अगर हम फिर से वेट्स एक्सट्रैक्ट करें यहाँ पे भी आपको सिमिलर टाइप का ही रिजल्ट दिखेगा। और अगर आप डिस्ट प्लॉट प्लॉट करो
तो अगेन यू वुड सी सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट, ठीक है। बट जनरली मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि डीप लर्निंग में L2 regularization ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है L1 के कंपेरिजन में। सो आप ट्राई करके दोनों देख सकते हो, बट आई थिंक L2 विल बी मोर यूजफुल, ठीक है। सो आई गेस यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। नाउ अगर आप थोड़ा और डीप लेवल पे रेगुलराइजेशन समझना चाहते हो तो मैं आपको एक रिसोर्स पॉइंट आउट कर रहा हूँ। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो कैंपस एक्स रेगुलराइजेशन तो आपको ये प्लेलिस्ट दिखाई देगा। ये एक 7 वीडियोस का प्लेलिस्ट है जो कि एक बहुत डिटेल्ड प्लेलिस्ट है अबाउट रेगुलराइजेशन, जहाँ पे मैंने लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर बहुत डिटेल में रेगुलराइजेशन कैसे काम करता है विथ ऑल द मैथमेटिकल डिटेल्स एंड कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच सिखाया है। अगर आप एक बार ये देख लो, आई कैन गारंटी यू आपको किसी भी तरह के इंटरव्यू क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो दैट्स इट, आई गेस आपको समझ में आ रहा है, एक बार जाके ये वीडियोस चेकआउट करना। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज, आई गेस आपको चीज़ें समझ में आई। मैं सारे के सारे नोटबुक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपका काम होगा एक बार खुद से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना और चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।